हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से सड़क हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने अनियंत्रित होकर दो राहगीरों को जोरदार टक्कर मार दी है। वहीं ये मामला घुमारवी उपमंडल के तहत कुठेड़ा का बताया जा रहा है, जहां मंगलवार सुबह तेज रफ्तार से आ रही एक ऑल्टो कार ने सड़क पर चल रहे दो राहगीरों को इतनी जोर से टक्कर मारी कि एक राहगीर तो हवा में उछलता हुआ कुछ दूर जा गिरा। वहीं गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं ये पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो गई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जाहू से घुमारवी की तरफ तेज रफ्तार में आ रही कार ने राहगीरों को जोर से टक्कर मारी है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को सीएचसी कुठेड़ा में उपचार के लिए एडमिट करवाया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। वहीं घुमारवी पुलिस ने एक प्रत्यक्षदर्शी के आधार पर कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गौर हो कि कार का नंबर HP 23D 2519 है और चालक का नाम श्याम लाल निवासी टिक्कर मालूम हुआ है। वहीं पुलिस थाना घुमारवी में कार चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 289-337 में मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर SR राणा ने की है। मामला जो है, इस पे हमने एक सूचना मिली थी इसकी, और सूचना के आधार पे इस पे एक आपराधिक मामला जो है पुलिस स्टेशन घुमारवी में धारा 279-337 IPC में जो है वो दर्ज किया गया है। और इसमें जो जो दो लोग हैं इसमें जख्मी हुए हैं, इसमें एक विशाल शर्मा और दूसरा गुरमीत सिंह है। इन्वेस्टिगेशंस पे ये पाया गया है कि इस पे जो गाड़ी थी वो कार थी HP 23D 2519। ये सारी घटना जो है इस गाड़ी से उन लोगों को टक्कर मार के की गई है, और इस गाड़ी का जो ड्राइवर था उस टाइम, जिस टाइम इस गाड़ी को जिसने ये घटना घटित हुई है, वो श्यामलाल चला रहा था। जांच में ये तथ्य भी सामने आया है कि यह घटना जो है ये इस श्यामलाल चालक की लापरवाही के कारण हुई, क्योंकि इसकी गाड़ी जो है काफ़ी तेज रफ्तार पे था। तो पुलिस ने गाड़ी और उसके चालक को आइडेंटिफाई किया है, इनसे बातचीत हो रही है। दोनों जो जख्मी हैं उनको हॉस्पिटल में फर्स्ट एड दी गई है, और इस घटना के संबंध में जो है पुलिस स्टेशन घुमारवी में जो आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है। आगे की तफ्तीश जो जारी है, जिस प्रकार से भी तथ्य सामने आएंगे उसके से इस मामले की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे।